नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो भी व्यक्ति होली के इन दिनों में ये काम करता है, उसको कंगाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, होलिकाष्टक में ये काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आपको बता दें, होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। होलाष्टक के ये 8 दिन अशुभ माने जाते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्च में किस दिन से शुरू हो रहे हैं होलाष्टक और इस बीच में कौन से काम आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है। पुराने समय से ही इन 8 दिन की अवधि को किसी भी नए या शुभ कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। मगर आपको बता दें कि ये सावधानी भरा कदम सिर्फ सांस्कृतिक आस्था के कारण ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक परिणाम भी आधारित है। इसलिए होली के त्योहार से पहले तक की 8 दिनों के लिए लोग हर शुभ चीज करने से बचते हुए इस अवधि को अत्यधिक सावधानी के साथ मनाते हैं। तो आपको इन 8 दिनों में भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं। क्या है वो काम, आइए जानते हैं। मगर उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर होलिकाष्टक के इन दिनों को क्यों सही नहीं माना जाता है, इसके पीछे का आखिर कारण क्या है। तो आपको बता दें कि होलिकाष्टक को इसलिए माना जाता है अशुभ। हमारे भारत के उत्तरी भागों में अधिकांश हिंदू समुदायों द्वारा होलाष्टक की अवधि को अशुभ माना जाता है। होलाष्टक का आखिरी दिन यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर अधिकांश क्षेत्रों में होलिका दहन का दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इन 8 दिनों में ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मांडीय स्थिति ऐसी होती है कि पहले जिन लोगों ने इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, उन्हें बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि हजारों वर्षों से होलाष्टक के कारण लोग इस दौरान नए और महत्वपूर्ण काम शुरू करने से दूरी बनाए रखते हैं। तो आइए जानते हैं, इस साल 2024 होलिकाष्टक कब से लग रहे हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में अपनाए जाने वाले पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा तक जारी रहता है। इस साल 2024 में होलाष्टक 17 मार्च रविवार से शुरू हो रहे हैं, जो कि 24 मार्च तक रहेंगे। इसके बाद ही 24 मार्च को होलिका दहन होगा। रंगवाली होली 2024 25 मार्च सोमवार को खेली जाएगी। अब आइए आपको होलाष्टक के महत्व के बारे में भी बता देते हैं। तो मित्रों, होलाष्टक दो अलग अलग शब्दों होली और अष्टक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होली के 8 दिन है। इन 8 दिन के दौरान शादी, विवाह, बच्चे का नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश और किसी भी अन्य 16 हिंदू संस्कार या अनुष्ठान जैसे शुभ समारोहों से बचा जाता है। हालांकि कुछ होलाष्टक के दौरान कोई नया व्यवसाय शुरू करना भी पसंद नहीं करते हैं। अब जान लेते हैं कि इन कामों के अलावा भी कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं, जो कि आपको होलिकाष्टक के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो जिसमें कि पहला है, होलाष्टक में शादी, विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं दूसरा है, होलाष्टक में मकान या फिर जमीन खरीदने या वाहन खरीदने जैसे महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि इस समय एडवांस पेमेंट करने से भी आपको बचना चाहिए। तीसरा काम, होलाष्टक में यज्ञ और हवन जैसा धार्मिक अनुष्ठान भी न करें, क्योंकि इस समय अनुष्ठान का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है और समस्या आने लगती है। चौथा काम, होलाष्टक में नए काम की शुरुआत से बचें, व्यापार या फिर नया काम न करें, क्योंकि ऐसा करने से उस काम की सफलता की संभावना कम होती है। इसके साथ ही पांचवा कार्य है, होलाष्टक में किसी भी नए सामान, सोने चांदी के गहने और घरेलू सामान की खरीद करना भी अशुभ माना जाता है। इन 5 मुख्य कार्यों के अलावा होलाष्टक के समय में बहू या बेटी की विदाई नहीं करते हैं, ऐसा करना बेहद अशुभ माना गया है। होलाष्टक के बाद ही यह कार्यक्रम करना चाहिए। होली से पूर्व की 8 दिन यानी होलाष्टक में शादी का रिश्ता पक्का नहीं करते हैं, साथ ही सगाई जैसे कार्यक्रम भी करने की मनाही होती है। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दिनों में ऐसे कुछ कार्य हैं जो आपको करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।
तो आइए जानते हैं क्या हैं वो ऐसे कार्य। पुलाष्टक में पूजा पाठ और जप तप का अधिक महत्व होता है, इसलिए इन 8 दिनों में भगवान विष्णु और कुल के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पुलाष्टक में गरीब और जरूरतमंद लोगों की धन या अन्न से मदद करनी चाहिए। इस समय बच्चों से अच्छा बर्ताव करें, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। मान्यता है कि होलाष्टक की इसी 8 दिन की अवधि में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी थीं और भगवान नाराज हुए थे, इसलिए इस अवधि में बच्चों को नहीं सताना चाहिए। इसके साथ ही होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और कृष्ण को अबीर और गुलाल लगाना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु राम की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हर तरह की परेशानी टल जाती है। तो मित्रों, आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।